सबसे पहले कि थैंक यू सो मच, और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल के जितने भी रिपोर्टर्स एंड जितने भी रिस्पेक्टफुल पर्सन यहाँ पे अवेलेबल हैं, सबको मेरे दिल मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग आए. ऑब्वियसली आई एम सो हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ कि खेसारी सर, अम्रपाली मैम, इवन पराग सर और जितने भी इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्हों को मैंने पर्दे पे देखा है, तो ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे हूँ. रोमांस आशिकी के हिसाब से वही लव ट्रायंगल एंड रोमांस करूँगी एक लिमिट भर. आम्रपाली मैम के साथ जब मैं आई स्क्रीन के लिए, जब काम के लिए आई, तो मुझे पहले था कि नहीं ही इज़ वेरी सीनियर एंड जो भी चीज़ें होती है एक अंदर से हेजिटेशन तो था ही था, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता. तो फिर जब मैं आई तो उनको जब मैंने देखा तो मैं गई एंड हग किया उन्होंने मुझे एंड उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी एंड आई एम सो हैप्पी कि उनके साथ मैं काम कर रही हूँ. उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया और कॉपरेटिव आर्टिस्ट है. सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करना डिफरेंट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट इतना है कि बहुत कुछ सीखने मिलता है. आशिकी में मैं एक दो लाइन बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाली, बता दूंगी तो आप लोग आओगे नहीं. जी एक्चुअली आशिकी में मैं ऐसा मेरा करेक्टर है कि बहुत ही अलग शायद मैं दिखूंगी मैं अब तक जो भी कुछ किया है एंड बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें खेसारी जी के बोलते हैं ना एंड ऑल, तो वो हूँ एंड ठीक है. आई एम सो हैप्पी कि इस फिल्म का पार्ट हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं पराग सर, प्रदीप शर्मा सर, तो मेरे लिए तो यही बहुत है. खेसारी जी के साथ जब फिल्म एज ए सीन कर रहे थे तो कितना ज़्यादा सपोर्टिंग कर रहे थे या फिर मस्ती थोड़ी हो रही थी? होती है, मस्ती भी होती है, कभी लगता ही नहीं है. मतलब इवन अंदर तो है कि ही इज सीनियर एंड ही इज सुपर स्टार, लेकिन कभी लगता ही नहीं है. आम्रपाली मैम हो गई, खेसारी सर हो गए, हम लोग इतने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं ना अभी इस टाइम कि मतलब आई वाज वेरी स्पीचलेस, क्योंकि जब भी हम लोग सेट पे आते हैं तो कभी लगता नहीं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है. मस्ती में बैठ के एक चेयर लगा के जब हमारा शिफ्टिंग होता है तो थोड़ा सा टाइम मिलता है हमारे पास, तो उसमें हम लोग बहुत मस्ती करते हैं एंड उसके बाद काम की बात आती है तो काम के लिए खेसारी सर, आम्रपाली मैम बहुत कॉपरेट करती है कि नहीं श्रुति ऐसे होना चाहिए, खेसारी सर की नहीं श्रुति थोड़ा ऐसे तो ये सही रहेगा, तो मैं भी एडवाइस देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है काम करके. डायरेक्टर सर को मैं बताना चाहूँ कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और इतनी सी हूँ मैं अभी, अगर एक्सपीरियंस के बारे बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है इस सेट पे. पराग सर बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट त्रिपाठी जी ने दिया है राकेश सर ने, और तो जो भी चीज़ें हो रही है ना ओवरऑल बहुत प्यारी हो रही है. मैम प्रोड्यूसर प्रदीप सर बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही एक अच्छा, उन्होंने एक बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही कहना चाहूँगी कि ऐसे इंसान होने चाहिए ताकि इंडस्ट्री को ग्रो मिले, इंडस्ट्री में चीज़ें अच्छी आए अच्छी हों. आशिकी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आशिकी बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छी मूवी है और इसमें आम्रपाली जी, खेसारी जी, मैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो आप लोग आइए और इस मूवी को देखिए और खूब सारा ब्लेसिंग्स और प्यार दीजिए इस मूवी को जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत ही, आप सोच सकते हैं कि जब हिंदी की आशिकी इतनी सुपर डुपर हिट रही तो आप लोग भी भोजपुरी वाली करवाइए.